नारायण 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 भागवत महात्म्य अथ षष्ठोध्याय छठा अध्याय सप्ताह यज्ञ की विधि। सप्ताह यज्ञ की विधि के विषय में श्री शनकादिक कहते हैं, अथ ते संप्रवक्ष्यामः सप्ताह श्रवणे विधिं सहायैर् वसुभिश्चैव प्रायः साध्यो विधि स्मृतः। नारद जी, अब हम आपको सप्ताह श्रवण की विधि बताते हैं। यह विधि प्रायः लोगों की सहायता और धन से साध्य कही गई है। पहले तो यत्न पूर्वक ज्योतिषी को बुलाकर मुहूर्त पूछना चाहिए तथा विवाह के लिए जिस प्रकार धन का प्रबंध किया जाता है उस प्रकार ही धन की व्यवस्था इसके लिए करनी चाहिए। कथा आरंभ करने में भाद्रपद आश्विन कार्तिक मार्गशीर्ष आषाढ़ और श्रावण ये छह महीने श्रोताओं के लिए मोक्ष की प्राप्ति के कारण हैं। देवर्षे इन महीनों में भी भद्रा व्यतिपात आदि कुयोगों को सर्वथा त्याग देना चाहिए तथा दूसरे लोग जो उत्साही हों उन्हें अपना सहायक बना लेना चाहिए। फिर प्रयत्न करके देश देशांतरों में यह संवाद भेजना चाहिए कि यहां कथा होगी, सब लोगों को सपरिवार पधारना चाहिए। स्त्री और शूद्र आदि भगवत कथा एवं संकीर्तन से दूर पड़ गए हैं तो उनको भी सूचना हो जाए, ऐसा प्रबंध करना चाहिए। देश देश में जो विरक्त वैष्णव और हरि कीर्तन के प्रेमी हों उनके पास निमंत्रण पत्र अवश्य भेजें। उसे लिखने की विधि इस प्रकार बताई गई है, महानुभावों यहां 7 दिन तक सत्पुरुषों का बड़ा दुर्लभ समागम रहेगा और अपूर्व रसमयी श्रीमद् भागवत की कथा होगी। आप लोग भगवत रस के रसिक हैं अतः श्री भागवतामृत का पान करने के लिए प्रेम पूर्वक शीघ्र ही पधारने की कृपा करें। यदि आपको विशेष अवकाश न हो तो भी 1 दिन के लिए तो अवश्य ही कृपा करनी चाहिए, क्योंकि यहां का तो 1 क्षण भी अत्यंत दुर्लभ है। इस प्रकार विनय पूर्वक उन्हें निमंत्रित करें और जो लोग आए उनके लिए यथोचित निवास स्थान का प्रबंध करें। कथा का श्रवण किसी तीर्थ में, वन में अथवा अपने घर पर भी अच्छा माना गया है। जहां लंबा चौड़ा मैदान हो वहीं कथा स्थल रखना चाहिए। भूमि का शोधन मार्जन और लेपन करके रंग बिरंगी धातुओं से चौक पूरे, घर की सारी सामग्री उठाकर एक कोने में रख दे। 5 दिन पहले से ही यत्न पूर्वक बहुत से बिछाने के वस्त्र एकत्र कर ले तथा केले के खंभों से सुशोभित एक ऊंचा मंडप तैयार कराए। उसे सब और फल पुष्प पत्र और तरह तरह के सामानों से सजा दे। उस मंडप में कुछ ऊंचाई पर 7 विशाल लोकों की कल्पना करे और उनमें विरक्त ब्राह्मणों को बुला बुला कर बैठाए। आगे की ओर उनके लिए वहां यथोचित आसन तैयार रखे। इनके पीछे वक्ता के लिए भी एक
दिव्य सिंहासन का प्रबंध करे। यदि वक्ता का मुख उत्तर की ओर रहे तो श्रोता पूर्वाभिमुख होकर बैठे, और यदि वक्ता पूर्वाभिमुख रहे तो श्रोता को उत्तर की ओर मुख करके बैठना चाहिए। अथवा वक्ता और श्रोता को पूर्वमुख होकर बैठना चाहिए। देश काल आदि को जानने वाले महानुभावों ने श्रोता के लिए ऐसे ही नियम बताया है। जो वेद शास्त्र की स्पष्ट व्याख्या करने में समर्थ हो, तरह तरह के दृष्टांत दे सकता हो, तथा विवेकी और अत्यंत निष्प्रिय हो, ऐसे विरक्त और विष्णु भक्त ब्राह्मण को वक्ता बनाना चाहिए। विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्योति निस्पृह। श्रीमद् भागवत के प्रवचन में ऐसे लोगों को नियुक्त नहीं करना चाहिए जो पंडित होने पर भी धर्मों के चक्कर में पड़े हुए स्त्री लंपट एवं पाखंड के प्रचारक हों। वक्ता के पास ही उसकी सहायता के लिए एक वैसा ही विद्वान और स्थापित करना चाहिए, वह भी सब प्रकार के संशयों की निवृत्ति करने में समर्थ और लोगों को समझाने में कुशल हो। कथा प्रारंभ के दिन से एक दिन पूर्व व्रत ग्रहण करने के लिए वक्ता को क्षौर करा लेना चाहिए, तथा अरुणोदय के समय शौच से निवृत्त होकर अच्छी तरह स्नान करे और संध्या आदि अपने नित्य कर्मों को संक्षेप से समाप्त करके कथा के विघ्नों की निवृत्ति के लिए गणेश जी का पूजन करे। तदनंतर पितृगण का तर्पण कर पूर्व पापों की शुद्धि के लिए प्रायश्चित करे और एक मंडल बनाकर उसमें श्री हरि को स्थापित करे। फिर भगवान श्री कृष्ण को लक्ष्य करके मंत्रोच्चारण पूर्वक क्रमशः षोडशोपचार विधि से पूजन करे और उसके पश्चात प्रदक्षिणा तथा नमस्कार आदि कर इस प्रकार स्तुति करे। करुणा निधान, मैं संसार सागर में डूबा हुआ और बड़ा दीन हूँ। कर्मों के मोह रूपी ग्रह ने मुझे पकड़ रखा है, आप इस संसार सागर से मेरा उद्धार कीजिए। इसके पश्चात धूप दीप आदि सामग्रियों से श्रीमद् भागवत की भी बड़े उत्साह और प्रीति पूर्वक विधि विधान से पूजा करे। फिर पुस्तक के आगे नारियल रखकर नमस्कार करे और प्रसन्न चित्त से इस प्रकार स्तुति करे। श्रीमद् भागवत के रूप में आप साक्षात श्री कृष्ण चंद्र ही विराजमान हैं। नाथ, मैंने भवसागर से छुटकारा पाने के लिए आपकी शरण ली है। श्रीमद् भागवताख्योयम् प्रत्यक्षः कृष्ण एव हि स्वीकृतोऽसि मया नाथ मुक्त्यर्थम् भवसागरे। मेरा यह मनोरथ आप बिना किसी विघ्न बाधा के सांगोपांग पूरा करें। केशव, मैं आपका दास हूँ। नाथ, मैंने भवसागर से छुटकारा पाने के लिए आपकी शरण ली है। मेरा यह मनोरथ आप बिना किसी विघ्न बाधा के सांगोपांग पूरा करें। केशव, मैं आपका दास हूँ। मनोरथो मदीयोऽयम् सफलः सर्वथा त्वया निर्विघ्नेनैव कर्तव्यो दासोऽहम् तव केशव। इस प्रकार दीन वचन कहकर फिर वक्ता का पूजन करे, उसे सुंदर वस्त्र आभूषणों से विभूषित करे और फिर पूजा के पश्चात उसकी इस प्रकार स्तुति करे। सुख स्वरूप भगवन, आप समझाने की कला में कुशल और सब शास्त्रों में पारंगत हैं, कृपया इस कथा को प्रकाशित करके मेरा ज्ञान दूर करें। फिर अपने कल्याण के लिए प्रसन्नता पूर्वक उसके सामने नियम ग्रहण करें।
और 7 दिनों तक यथाशक्ति उसका पालन करें। कथा में विघ्न न हो इसके लिए 5 ब्राह्मणों को और वर्ण करें। वे द्वादशाक्षर मंत्र द्वारा भगवान के नामों का जप करें। फिर ब्राह्मण अन्य विष्णु भक्त एवं कीर्तन करने वालों को नमस्कार करके उनकी पूजा करें और उनकी आज्ञा पाकर स्वयं भी आसन पर बैठ जाए। जो पुरुष लोक संपत्ति धन घर और पुत्र आदि की चिंता छोड़कर शुद्ध चित्त से केवल कथा में ही ध्यान रखता है उसे इसके श्रवण का उत्तम फल मिलता है। बुद्धिमान वक्ता को चाहिए कि सूर्योदय से कथा आरंभ करके 3:30 पहर तक मध्यम स्वर से अच्छी तरह कथा बांचे। दोपहर के समय 2 घड़ी तक कथा बंद रखे। उस समय कथा के प्रसंग के अनुसार वैष्णवों को भगवान के गुणों का कीर्तन करना चाहिए। व्यर्थ बातें नहीं करनी चाहिए। कथा के समय मलमूत्र के वेग को काबू में रखने के लिए अल्पाहार सुखकारी होता है। इसलिए श्रोता केवल एक ही समय हविष्यान्न भोजन करे। यदि शक्ति हो तो 7 दिन निराहार रहकर कथा सुने अथवा केवल घी या दूध पीकर सुखपूर्वक श्रवण करें अथवा फलाहार या एक समय ही भोजन करें। जिससे जैसा नियम सुबीते से सद सके उसी को कथा श्रवण के लिए ग्रहण करें। मैं तो उपवास की अपेक्षा भोजन करना अच्छा समझता हूं यदि वह कथा श्रवण में सहायक हो। यदि उपवास से श्रवण में बाधा पहुंचती हो तो वह किसी काम का नहीं। भोजनम तु वरम मन्ये कथा श्रवण कारकम नोपवासो वरः प्रोक्तः कथा विघ्न करो यदि। नारद जी नियम से सप्ताह सुनने वाले पुरुषों के नियम अब सुनिए। विष्णु भक्त की दीक्षा से रहित पुरुष कथा श्रवण का अधिकारी नहीं है। जो पुरुष नियम से कथा सुने उसे ब्रह्मचर्य से रहना, भूमि पर सोना और नित्य प्रति कथा समाप्त होने पर पत्तल में भोजन करना चाहिए। दाल, मधु, तेल, गरिष्ठ अन्न, भाव दूषित पदार्थ और बासी अन्न इनका उसे सर्वथा ही त्याग कर देना चाहिए। काम, क्रोध, मद, मान, मत्सर, लोभ, दंभ, मोह और द्वेष को तो अपने पास भी नहीं फटकने देना चाहिए। वह वेद, वैष्णव, ब्राह्मण, गुरु, गोसेवक तथा स्त्री, राजा और महापुरुषों की निंदा से भी बचे। नियम से कथा सुनने वाले पुरुष को रजस्वला स्त्री, अंत्यज म्लेच्छ, पतित, गायत्रीहीन द्विज, ब्राह्मणों से द्वेष करने वाले तथा वेद को न मानने वाले पुरुषों से बात नहीं करनी चाहिए। सर्वदा सत्य, शौच, दया, सरलता, विनय और उदारता का बर्ताव करना चाहिए। धनहीन, क्षय रोगी, किसी अन्य रोग से पीड़ित, भाग्यहीन, पापी, पुत्रहीन और मुमुक्षु भी यह कथा श्रवण करे। जिस स्त्री का रजो दर्शन रुक गया हो, जिसके एक ही संतान होकर रह गई हो, जो बांझ हो,
जिसकी संतान होकर मर जाती हो अथवा जिसका गर्भ गिर जाता हो वह यत्न पूर्वक इस कथा को सुने। ये सब यदि विधिवत कथा सुने तो इन्हें अक्षय फल की प्राप्ति हो सकती है। यह अत्युत्तम दिव्य कथा करोड़ों यज्ञों का फल देने वाली है। इस प्रकार इस व्रत की विधियों का पालन करके फिर उद्यापन करे। जिन्हें इसके विशेष फल की इच्छा हो वे जन्माष्टमी व्रत के समान ही इस कथा व्रत का उद्यापन करे। किंतु जो भगवान के अकिंचन भक्त हैं उनके लिए उद्यापन का कोई आग्रह नहीं है। वे श्रवण से ही पवित्र हैं। क्यों? कि वे तो निष्काम भगवत भक्त हैं। इस प्रकार जब सप्ताह यज्ञ समाप्त हो जाए तब श्रोताओं को अत्यंत भक्ति पूर्वक पुस्तक और वक्ता की पूजा करनी चाहिए। फिर वक्ता श्रोताओं को प्रसाद, तुलसी और प्रसादी मालाएं दे तथा सब लोग मृदंग और झांझ की मनोहर ध्वनि से सुंदर कीर्तन करें। जय जयकार, नमस्कार और शंख ध्वनि का घोष कराएं तथा ब्राह्मण और याचकों को धन और अन्न दें। श्रोता विरक्त हो तो कर्म की शांति के लिए दूसरे दिन गीता पाठ करे। गृहस्थ हो तो हवन करे। उस हवन में दसम स्कंद का एक एक श्लोक पढ़कर विधि पूर्वक खीर, मधु, घृत, तिल और अन्न आदि सामग्रियों से आहुति दे। अथवा एकाग्र चित्त से गायत्री मंत्र द्वारा हवन करें, क्योंकि तत्वतः यह महापुराण गायत्री स्वरूप ही है। होम करने की शक्ति न हो तो उसका फल प्राप्त करने के लिए ब्राह्मणों को हवन सामग्री दान करें तथा नाना प्रकार की त्रुटियों को दूर करने के लिए और विधि में फिर जो न्यूनाधिकता रह गई हो उसके दोषों की शांति के लिए विष्णु सहस्र नाम का पाठ करें। उससे सभी कर्म सफल हो जाते हैं, क्योंकि कोई भी कर्म इससे बढ़कर नहीं है। फिर 12 ब्राह्मणों को खीर और मधु आदि उत्तम उत्तम पदार्थ खिलाए तथा व्रत की पूर्ति के लिए गौ और सुवर्ण का दान करें। सामर्थ्य हो तो 3 तोले सोने का एक सिंहासन बनवाए, उस पर सुंदर अक्षरों में लिखी हुई श्रीमद् भागवत की पोथी रखकर उसकी आवाहन आदि विविध उपचारों से पूजा करें और फिर जितेंद्रिय आचार्य को उसका वस्त्र, आभूषण एवं गंध आदि से पूजन कर दक्षिणा के सहित समर्पण करें। यों करने से वह बुद्धिमान दाता जन्म मरण के बंधनों से मुक्त हो जाता है। यह सप्ताह पारायण की विधि सब पापों के निवृत्ति करने वाली है। इसका इस प्रकार ठीक ठीक पालन करने से यह मंगलमय भागवत पुराण अभिष्ट फल प्रदान करता है तथा अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों की प्राप्ति का साधन हो जाता है, इसमें संदेह नहीं है। सनकादि कहते हैं, नारद जी, इस प्रकार तुम्हें यह सप्ताह श्रवण की विधि हमने पूरी पूरी सुना दी, अब और क्या सुनना चाहते हो? इस श्रीमद् भागवत से भोग और मोक्ष दोनों ही हाथ लग जाते हैं। सूत जी कहते हैं, शौनक जी, यूं कहकर महामुनि सनकादि ने 1 सप्ताह तक विधि पूर्वक इस सर्व पाप नाशिनी परम पवित्र
तथा भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली भागवत कथा का प्रवचन किया। सब प्राणियों ने नियम पूर्वक इसे श्रवण किया, तो इसके पश्चात उन्होंने विधि पूर्वक भगवान पुरुषोत्तम की स्तुति की। कथा के अंत में ज्ञान, वैराग्य और भक्ति को बड़ी पुष्टि मिली और वे तीनों एकदम तरुण होकर सब जीवों का चित्त अपनी ओर आकर्षित करने लगे। अपना मनोरथ पूरा होने से नारद जी को भी बड़ी प्रसन्नता हुई, उनके सारे शरीर में रोमांच हो आया और वे परमानंद से पूर्ण हो गए। इस प्रकार कथा श्रवण कर भगवान के प्यारे नारद जी हाथ जोड़कर प्रेम गदगद वाणी से सनकादि से कहने लगे, धन्योऽस्म्यनुगृहीतोऽस्मि भवद्भिः करुणापरैः अद्य मे भगवान लब्धः सर्वपाप हरो हरिः। मैं धन्य हूं, आप लोगों ने करुणा करके मुझे बड़ा ही अनुग्रहित किया है। आज मुझे सर्व पाप हरी भगवान श्री हरि की ही प्राप्ति हो गई। तपोधनों, मैं श्रीमद् भागवत श्रवण को ही सब धर्मों से श्रेष्ठ मानता हूं, क्योंकि जिसके श्रवण से वैकुंठ बिहारी गोलोक बिहारी श्री कृष्ण की प्राप्ति होती है। सूत जी कहते हैं, सौनक जी, वैष्णव श्रेष्ठ नारद जी यूं कह ही रहे थे कि वहां घूमते फिरते योगेश्वर सुखदेव जी महाराज आ गए। बोले श्री सुखदेव जी महाराज की जय। कथा समाप्त होते ही व्यास नंदन श्री सुखदेव जी वहां पधारे। 16 वर्ष की सी आयु, आत्मलाभ से पूर्ण ज्ञान रूपी महासागर का संवर्धन करने के लिए चंद्रमा के समान वे प्रेम से धीरे धीरे श्रीमद् भागवत का पाठ कर रहे थे। परम तेजस्वी सुखदेव जी को देखकर सारे सभासद झटपट खड़े हो गए और उन्हें एक ऊंचे आसन पर बैठाया। फिर देवर्षि नारद जी ने उनका प्रेम पूर्वक पूजन किया। उन्होंने सुखपूर्वक बैठकर कहा, आप लोग मेरी निर्मल वाणी सुनिए। निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखादमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। श्री सुखदेव जी बोले, रसिक एवं भावुक जन, यह श्रीमद् भागवत वेद रूप कल्प वृक्ष का परिपक्व फल है। श्री सुखदेव रूप सुख के मुख का संयोग होने से अमृत रस से परिपूर्ण है। यह रस ही रस है, इसमें न छिलका है न गुठली, यह इसी लोक में सुलभ है। जब तक शरीर में चेतना रहे तब तक आप लोग बार बार इसका पान करें। महामुनि वेदव्यास ने श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना की है। इसमें निष्कपट निष्काम परम धर्म का निरूपण है। इसमें शुद्धांतकरण
सत पुरुषों के जानने योग्य कल्याणकारी वास्तविक वस्तु का वर्णन है, जिससे तीनों तापों की शांति होती है। इसका आश्रय लेने पर दूसरे शास्त्र अथवा साधन की आवश्यकता नहीं रहती। जब कभी पुण्यात्मा पुरुष इसके श्रवण की इच्छा करते हैं, तभी ईश्वर अविलंब उनके हृदय में अवरुद्ध हो जाता है। यह भागवत पुराणों का तिलक और वैष्णवों का धन है। इसमें परमहंसों के प्राप्त्य विशुद्ध ज्ञान का ही वर्णन किया गया है, तथा ज्ञान वैराग्य और भक्ति के सहित निवृत्ति मार्ग को प्रकाशित किया गया है। जो पुरुष भक्ति पूर्वक इसके श्रवण पठन और मनन में तत्पर रहता है, वह मुक्त हो जाता है। श्रीमद् भागवतम पुराण तिलकम यद् वैष्णवानां धनम यस्मिन् पारमहंस्यमेव ममलम ज्ञानम परम गीयते यत्र ज्ञान विराग भक्ति सहितं नैष्कर्म्यमाविष्कृतं तच्छृण्वन् प्रपठन् विचारण परो भक्त्या विमोच्येन्नरः। यह रस स्वर्गलोक सत्यलोक कैलाश और वैकुंठ में भी नहीं है, इसलिए भाग्यवान श्रोताओं तुम इसका खूब पान करो, इसे कभी मत छोड़ो मत छोड़ो। स्वर्गे सत्ये च कैलासे वैकुंठे नास्त्ययं रसः अतः पिबन्तु सद्भाग्या मामा मुंचत कर्हिचे। सूत जी कहते हैं, श्री सुखदेव जी इस प्रकार कह ही रहे थे कि उस सभा के बीचों बीच प्रहलाद बलि उद्धव और अर्जुन आदि पार्षदों के सहित साक्षात श्रीहरि प्रकट हो गए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय, आनंद कंद भगवान की जय। तब देवर्षि नारद ने भगवान और उनके भक्तों की यथोचित पूजा की। भगवान को प्रसन्न देखकर देवर्षि ने उन्हें एक विशाल सिंहासन पर बैठा दिया और सब लोग उनके सामने संकीर्तन करने लगे। उस कीर्तन को देखने के लिए श्री पार्वती जी के सहित महादेव जी और ब्रह्मा जी भी आए। कीर्तन आरंभ हुआ। प्रहलाद जी तो चंचल गति फुर्तीले होने के कारण करताल बजाने लगे। उद्धव जी ने झांझे उठा ली और देवर्षि नारद वीणा की ध्वनि करने लगे। स्वर ज्ञान में गान विद्या में कुशल होने के कारण अर्जुन राग अलापने लगे। इंद्र ने मृदंग बजाना आरंभ किया। सनकादि बीच बीच में जय घोष करने लगे और इन सब के आगे सुखदेव जी तरह तरह की सरस अंग भंगी करके भाव बताने लगे। इन सब के बीच में परम तेजस्वी भक्ति ज्ञान और वैराग्य नटों के समान नाचने लगे। ऐसा अलौकिक कीर्तन देखकर भगवान प्रसन्न हो गए और इस प्रकार कहने लगे, मैं तुम्हारी इस कथा और कीर्तन से बहुत प्रसन्न हूं। तुम्हारे भक्ति भाव ने
इस समय मुझे अपने वश में कर लिया है, अतः तुम लोग मुझसे वर मांगो। भगवान के ये वचन सुनकर सब लोग बड़े प्रसन्न हुए और प्रेमार्द्र चित्त से भगवान से कहने लगे, भगवान हमारी यह अभिलाषा है कि भविष्य में भी जहां कहीं सप्ताह कथा हो वहां आप इन पार्षदों के सहित अवश्य पधारें, हमारा यह मनोरथ पूर्ण कर दीजिए। भगवान तथास्तु कहकर अंतर ध्यान हो गए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय, पुरुषोत्तम भगवान की। इसके पश्चात नारद जी ने भगवान तथा उनके पार्षदों के चरणों को लक्ष्य करके प्रणाम किया और फिर सुखदेव जी आदि तपस्वियों को भी नमस्कार किया। कथा अमृत का पान करने से सब लोगों को बड़ा ही आनंद हुआ, उनका सारा मोह नष्ट हो गया। फिर वे सब लोग अपने अपने स्थानों को चले गए। उस समय सुखदेव जी ने भक्ति को उसके पुत्रों सहित अपने शास्त्र में स्थापित कर दिया। बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय। इसी से भागवत का सेवन करने से श्री हरि वैष्णवों के हृदय में आविराजते हैं। दारिद्र्य दुख ज्वर दाहितानाम माया पिशाचे परिमर्दितानाम संसार सिंधौ परिपातितानाम क्षेमाय वै भागवतम प्रगर्जति। जो लोग दरिद्रता के दुख ज्वर की ज्वाला से दग्ध हो रहे हैं, जिन्हें माया पिशाची ने रौंद डाला है तथा जो संसार समुद्र में डूब रहे हैं, उनका कल्याण करने के लिए श्रीमद् भागवत सिंहनाद कर रहा है। शौनक जी ने पूछा, सूत जी, सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को और गोकर्ण ने धुंधुकारी को और सनकादि ने नारद जी को किस किस समय यह ग्रंथ सुनाया था? मेरा यह संशय दूर कीजिए। सूत जी ने कहा, भगवान श्री कृष्ण के स्वधाम गमन के बाद कलयुग के 30 वर्ष से कुछ अधिक बीत जाने पर भाद्रपद मास की शुक्ला नवमी को सुखदेव जी ने कथा आरंभ की थी और राजा परीक्षित के कथा सुनने के बाद कलयुग के 200 वर्ष बीत जाने पर आषाढ़ मास की शुक्ला नवमी को गोकर्ण जी ने यह कथा सुनाई थी और इसके पीछे कलयुग के 30 वर्ष और निकल जाने पर कार्तिक शुक्ला नवमी से सनकादि ने कथा आरंभ की थी। निष्पाप शौनक जी, आपने जो कुछ पूछा था उसका उत्तर मैंने आपको दे दिया। इस कलयुग में भागवत की कथा भव रोग की राम बाण औषधि है। संतजन, आप लोग आदर पूर्वक इस कथा अमृत का पान कीजिए। यह श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय, संपूर्ण पापों का नाश करने वाला, मुक्ति का एकमात्र कारण और भक्ति को बढ़ाने वाला है। लोक में अन्य कल्याणकारी साधनों का विचार करने और तीर्थों का सेवन करने से क्या होगा? कृष्ण प्रियम सकल कल्मष नाशनं च मुक्त्येक हेतु मिह भक्ति विलासकारी संतः कथानकमिदं पिबतादरेण लोके हि तीर्थ परिशीलन सेवया किम्। अपने दूत को हाथ में पाश लिए देखकर यमराज उसके कान में कहते हैं, देखो जो भगवान की कथा वार्ता में मत हो रहे हो उनसे दूर है ना, मैं औरों को ही दंड देने की शक्ति रखता हूं, वैष्णवों को नहीं। इस असार संसार में विषय रूप विष की आसक्ति के कारण व्याकुल बुद्धि वाले पुरुषों,
अपने कल्याण के उद्देश्य से आधे क्षण के लिए भी इस सुख कथा रूप अनुपम सुधा का पान करो। प्यारे भाइयों, निंदित कथाओं से युक्त कुपथ में व्यर्थ ही क्यों भटक रहे हो? इस कथा के कान में प्रवेश करते ही मुक्ति हो जाती है, इस बात के साक्षी राजा परीक्षित हैं। असारे संसारे विषय विष संगाकुल दिया क्षणार्धम क्षेमार्थम पिबत सुख गाथा तुलसुधा किमार्थम व्यार्थम भो व्रजत कुपथे कुत्सित कथे परीक्षित साक्षीयत् श्रवणगत मुक्त्युक्ति कथने। श्री सुखदेव जी ने प्रेम रस के प्रवाह में स्थित होकर इस कथा को कहा था। इसका जिसके कंठ से संबंध हो जाता है वह वैकुंठ का स्वामी बन जाता है। शौनक जी, मैंने अनेक शास्त्रों को देखकर आपको यह परम गोप्य रहस्य अभी अभी सुनाया है। सब शास्त्रों के सिद्धांतों का यही निचोड़ है। संसार में इस सुख शास्त्र से अधिक पवित्र और कोई वस्तु नहीं है। अतः आप लोग परमानंद की प्राप्ति के लिए इस द्वादश स्कंद रूप रस का पान करें। जो पुरुष नियम पूर्वक इस कथा का भक्ति भाव से श्रवण करता है और जो शुद्धांतःकरण भगवत भक्तों के सामने इसे सुनाता है, वे दोनों ही विधि का पूरा पूरा पालन करने के कारण इसका यथार्थ फल पाते हैं। उनके लिए त्रिलोकी में कुछ भी असाध्य नहीं रह जाता। नारायण 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 नारायण।